हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन की, कैसे आपको किसी भी पोएम की क्रिटिकल रीडिंग करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है और हम लोग ज़्यादातर समरी को लिख देते हैं या फिर हम लोग किसी वर्क को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, तो हमें समरी भी नहीं लिखनी। समरी लिखनी है, लेकिन समरी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमें किसी वर्क को क्रिटिसाइज़ नहीं करना होता। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन को करते क्यों हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन को हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें पोएम का मीनिंग समझ में आए। पोएम की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं। पोएट ने पोएम को क्यों लिखा, क्या उसका मोटिव था, ये सब जानने के लिए हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का कोई फॉर्मेट नहीं होता। आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि किस तरह से आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना चाहिए। देयर इज़ नॉट एनी साइंटिफिक फार्मूला एज सच टू अप्रिशिएट अ पोएम लाइक इन साइंस। इन लिटरेचर इट्स कम्प्लीटली थ्योरेटिकल, hence the opinions vary. Actually, the poems are supposed to be felt rather than appreciated. Many critics have different theories of their own about how to judge a poem and how to think over it critically. Wordsworth stresses on the concept of beauty in a poem, whereas Eliot makes it practical through his approach. Therefore, the appreciation vary from person to person and critic to critic. ठीक है, जब हम क्रिटिकल रीडिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोएम के वर्ड मीनिंग्स क्या हैं। सबसे पहले आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आपको आगे की चीज़ें पता लगेंगी। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड लिखा हुआ है ना, उसका वही मीनिंग हो। पोएट की क्या खासियत होती है, पोएट लफ्ज़ों से खेलता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पोएम में जो वर्ड लिखा हुआ है उसका क्या मीनिंग है, किस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज़ किया गया है। फिर आपको देखना होगा कि पोएम की राइम स्कीम क्या है। अब ये राइम स्कीम कैसे देखते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम डेफिडिल्स। थोड़े दिन पहले ही इस पोएम पर मैंने वीडियो अपलोड करी थी चैनल पर। इस पोएम के लास्ट में जो वर्ड्स हैं ना, सिर्फ उन पर फोकस करो। मैंने ब्लैक कलर में कर दिया उन वर्ड्स को। सबसे पहला वर्ड है क्लाउट, तो क्लाउट साउंड के सामने हमने ए लिख दिया। अगला वर्ड है हिल्स। अब देखो, हिल्स जो है ना, वो क्लाउड से नहीं मिल रहा, आपस में ये दोनों नहीं मिल रहे, क्लाउड कहाँ हिल्स कहाँ, इस वजह से, क्योंकि आवाज़ दोनों की अलग अलग है, इस वजह से हम लोग हिल के आगे बी लिख देंगे। मान लो अगर कोई क्लाउड से मिलता जुलता वर्ड होता तो फिर हम बी नहीं लिखते, फिर हम लिखते ए। नेक्स्ट वर्ड है क्राउड। अब देखो, क्राउड और क्लाउड ये मैच हो रहा है, क्लाउड क्राउड क्राउड क्लाउड मैच हो रहा है ना, इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ए, क्योंकि साउंड मैच हो रही है। इसके बाद हमारा वर्ड है डैफ़ोडिल्स। डैफ़ोडिल्स मैच कर रहा है हिल्स से, हिल्स डैफ़ोडिल्स डैफ़ोडिल्स हिल्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी। इसके बाद जो वर्ड है वो है ट्रीज़। अब ट्रीज़ अगर आप देखो तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा, किसी से भी नहीं मिल रहा, ऊपर जितने भी वर्ड हैं उनमें से किसी से भी नहीं मिल रहा, इसलिए ट्रीज़ के आगे हम लोग लिखेंगे सी। लेकिन इसके बाद जो वर्ड है ब्रीज़, ये मिलता जुलता है ट्रीज़ से, ट्रीज़ ब्रीज़ ब्रीज़ ट्रीज़, इसलिए हम लोग ब्रीज़ के आगे क्या लिखेंगे, ब्रीज़ के आगे लिखेंगे सी, क्योंकि ब्रीज़ ट्रीज़ से मिल रहा है। तो यहाँ पर राइम स्कीम निकल कर आ रही है ए बी ए बी सी सी। उम्मीद है समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट्स में लिख देना, दोबारा से सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। वैसे बहुत आसान है राइम स्कीम को निकालना। इसके बाद आता है स्पीकर। आपको पता होना चाहिए कि पोएम में कौन स्पीकर है, कौन बात कर रहा है। स्पीकर पोएम में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, बहुत सारे स्पीकर हो सकते हैं। जैसे अगर आप टी एस एलियट की द वेस्टलैंड को पढ़ोगे तो उसमें
बहुत सारे स्पीकर हैं। स्पीकर के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। पोएट ने कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है। अगर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें ऑलमोस्ट सभी इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को मैंने कवर किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच के बाद आता है इंटरटेक्सुअलिटी। अब ये क्या भला है दोस्तों? एक राइटर जो होता है ना, वो एक किताब लिखने से पहले हज़ारों किताबों को पढ़ डालता है और फिर जाकर एक किताब को लिखता है। और जब राइटर अपनी एक किताब को लिखता है तो जो कुछ भी उसने पढ़ा होता है वो सब अपने वर्क में झोंक देता है। उसके वर्क में आपको बाकी राइटर्स की झलक देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप T.S. एलियट की बहुत ही फेमस पोएम को देखोगे द वेस्टलैंड, तो उसमें आपको बाइबल का रेफरेंस मिलेगा, इंडियन मैथोलॉजी का भी रेफरेंस मिलेगा, इसके अलावा क्लासिकल राइटर्स, ग्रीक राइटर्स, एलिजाबेथन राइटर्स, सब कुछ मिलेगा उसमें आपको। बहुत सारे राइटर्स से या फिर बहुत सारे वर्क से उन्होंने कुछ ना कुछ लिया है। इसी तरह एक और पोयम याद आ रही है मुझे, द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग में भी W.B. Yeats ने बाइबल से रेफरेंस लिया है। सेकेंड कमिंग का मतलब होता है कि दुनिया में दोबारा से जीसस क्राइस्ट जन्म लेंगे और दुनिया को दुष्ट लोगों से बचाएंगे। तो दोस्तों, इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब यही होता है कि एक राइटर ने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया है, कौन कौन से वर्क से उसका वर्क जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड स्टाइल। हर पोएट की अपनी लैंग्वेज होती है, अपना स्टाइल होता है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या मानना था? विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोएम आसान से आसान लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए ताकि पोएम सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कोई कम पढ़ा लिखा भी अगर पोएम को पढ़े तो उसे समझ में आ जाए, वो लफ्ज़ों के जाल में नहीं फंसे। लेकिन एस्ट्री कॉलरिज का मानना था कि अगर पोएम में स्टाइलिश वर्ड्स का यूज़ ना हो, अगर लफ्ज़ों के साथ खेला ना जाए, तो फिर वो पोएम ही क्या। तो सब पोएट्स का अपना स्टाइल होता है, अपनी लैंग्वेज होती है। इसके बाद जॉनरा। जॉनरा मतलब कैटेगरी, किस कैटेगरी में लिखा गया है वर्क। पोइट्री में अलग अलग जॉनरा होते हैं, जैसे सोनेट हो गया, एपिक हो गया, लिरिक होती है, नरेटिव होती है, सटैरिकल है, इसके अलावा प्रोज पोइट्री भी होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है जिनमें पोएट पोइट्री को लिखता है। इसके अलावा हमें टोन भी देखनी पड़ती है, अलग अलग पोएम्स की अलग अलग टोन्स होती हैं। जैसे अगर आप कोई रोमांटिक पोएम को पढ़ोगे तो उसमें रोमांस की फीलिंग आती है, अगर आप सैड पोइट्री को पढ़ोगे तो उसमें उदासी आती है, इसी तरह सटायर में आपको आयरनी फील होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब आप किसी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं। और जब आप इस तरह से किसी पोएम को एनालाइज करेंगे तो आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आती है। और किसी पोएम को अच्छे से समझने के लिए ही हम लोग क्रिटिकल रीडिंग करते हैं। दोस्तों, आप लोग याद रखना कि ये एक फॉर्मेट नहीं है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता। क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हो पोएट से। पोएट के बारे में आप लोग लिख सकते हो सबसे पहले। पोएट के बारे में लिखने के बाद आप पोएट्री की समरी को लिख दो, ठीक है? समरी लिखने के बाद पहले पोएट के बारे में लिख दो, फिर एक पैराग्राफ में समरी लिख दो, और फिर समरी लिखने के बाद आप लोग लिख सकते हो पोएट का आइडिया। पोएट्री किस बारे में है, क्या बात हो रही है उसके अंदर, उसकी क्या थीम है, पोएट का आइडिया क्या था, कौन सी इमेज बनाने की कोशिश की गई है, क्या फिलॉसफी यूज़ हुई है उसमें, उस पोइट्री में। इसके साथ साथ आप पोइट्री की राइम स्कीम बता सकते हो, जॉनरा बता सकते हो, फिगर्स ऑफ स्पीच बता सकते हो, आप बता सकते हो पोएम का कनेक्शन किसके साथ है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन दोनों की पोइट्री में आपको नेचर मिलेगा। कॉलरिज की पोएम में आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो आप ये सब चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हो।
और लास्ट में सब कुछ लिखने के बाद आप कॉन्क्लूजन लिख सकते हो और आप बता सकते हो कि आपको ये पोएम कैसी लगी, आपको इस पोएम में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, अपनी जजमेंट देते हुए आंसर को क्लोज कर सकते हो। अगर आप ये सब चीज़ें लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हम लोग सिर्फ समरी को लिख कर आते हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल पाते। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।